वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया था, तब प्रभु श्री राम ने बानर सेना की सहायता से केवल 5 दिनों के अंदर तमिलनाडु के रामेश्वरम से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक सयोजन लंबा सेतु बनाया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। यह सेतु इतिहास में हुए एक अद्भुत निर्माण कार्यों के साथ साथ लोगों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र है। आज हम आपको इसी राम सेतु के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टोरी पाठशाला में। राम सेतु से जुड़े रोचक तथ्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राम सेतु की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा ने सैटेलाइट द्वारा इसका निरीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किए, जिनसे यह साफ जाहिर हो गया कि राम सेतु अभी भी समुद्र के अंदर मौजूद है। राम सेतु अपनी प्रकृति की भव्य संरचना का सजीव उदाहरण है। अब आपके मन में राम सेतु को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि राम सेतु कहाँ स्थित है, राम सेतु की लंबाई कितनी है, राम सेतु का निर्माण कब हुआ था, क्या राम सेतु अब भी मौजूद है। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोटि नामक स्थल से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक पहुंचता है, जिसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। इसका निर्माण चूने के पत्थर, बलुआ रेत और बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ किया गया है, जो जमीन में लगभग 3 से 30 फुट तक गहरे हैं। विश्व के अति प्राचीन अद्भुत निर्माण जैसे कि चीन की दीवार, मिस्र के पिरामिड इत्यादि 3 से 4 हजार वर्ष पुराने हैं, जबकि राम सेतु को वैज्ञानिक भी कम से कम 7 हजार वर्ष से ज्यादा प्राचीन मान चुके हैं। धर्म के अनुसार इसका निर्माण आज से लाखों वर्ष पहले त्रेता युग में रामायण काल के समय किया गया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस पुल का निर्माण नल व नील ने बानर सेना की सहायता से केवल 5 दिनों के अंदर किया था, जिसमें पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और अंतिम दिन 23 योजन का पुल निर्माण किया गया था। साथ ही इस पुल की चौड़ाई 10 योजन थी। इस पुल में ऊपर पत्थर तैर रहे हैं और नीचे रेत है, लेकिन रेत यहाँ पर बाद में जमा हुई थी। इसका प्रमाण यह है कि पत्थरों को लगभग 7000 वर्ष प्राचीन व रेत को 4000 वर्ष प्राचीन माना गया है। इस पुल का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से निकले पत्थरों की सहायता से किया गया है, जो अत्यधिक गर्म होते हैं और हवा पानी के संपर्क में आते ही यह बहुत कठोर हो जाते हैं। साथ ही इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डाला जाता है तो इन छिद्रों में हवा भरी होने के कारण यह हल्के और स्पंजी हो जाते हैं, जिसके कारण ये पानी में तैरने लगते हैं। इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन रिसर्च की, लेकिन इसके पीछे जुड़े रहस्य को आज तक नहीं जान पाए। 15वीं शताब्दी तक यह पुल एकदम सही अवस्था में चलने लायक था। लोग तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच सामान की आवाजाही इसी पुल के माध्यम से करते थे, लेकिन सन 1480 में समुद्र में एक विशाल चक्रवात आया था, जिसके बाद यह पुल पानी के अंदर डूब गया। कुछ लोग इसे आदम पुल के नाम से भी बुलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विदेशी लोगों के द्वारा इसे हिंदू धर्म व श्रीराम से अलग करने के प्रयासों के तहत इसे इस नाम से बुलाया जाने लगा। अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों की हजारों संस्थाओं, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं ने इस पर शोध किया और इसे प्राकृतिक ना मानकर मानव निर्मित माना। उनके अनुसार
ये हमारे इतिहास के लोगों के द्वारा बनाया गया है। एक ऐसा अद्भुत निर्माण है जो शायद आज की तकनीक में संभव ना हो। राम सेतु की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।